Then why? चैनल इकरा जर्नी ब्लॉग अस्सलामुअलैकुम एंड आप कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सब बहुत अच्छा होगा आई होप। और आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे से होती है कि आज हमें कहीं शादी में जाना है और उसके बाद हमें अभी रेडी अप होना है, तो अभी मॉर्निंग की शादी नहीं है, वो रात में है, तो ऑफकोर्स हम रात में ही जाएंगे। और आजकल तो रूटीन ऐसा ही है कि रात दिन में शादी कोई नहीं रखता है, वो अभी बहुत अजीब लगता है यार, फील नहीं आती है, तो रात में ही है। तो अब मॉर्निंग में उठी, मैंने ब्रेकफास्ट किया, अब वही डेली रूटीन, ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश अप हुई, अब उसके बाद अब मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत की जाए मॉर्निंग से ही, तो इसलिए मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ आप सब लोगों के लिए। सो गाइज, अब मैं बातिंग करने के लिए जाती हूँ, फिर उसके बाद बातिंग करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने जाऊँगी, तो आप बने रहेंगे ब्लॉग के साथ। लगता था स्टार्टिंग से क्योंकि मैं ब्लॉग शूट करूँ, आप सब लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि पता है क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा होता है ना, तो आप एक उसको जो स्ट्रगल लाइफ होती है, आप उसको बहुत इंजॉयमेंट के साथ आप उसको लेके चलते हो, तो आपके एक ना माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ता है और एक ऐसा नहीं लगता है कि यार ये बहुत जल्दी से ना कि ख़त्म हो जाए, ये मतलब जल्दी से मुझे सक्सेस मिल जाए। ना सक्सेस मिलने में भी ना थोड़ा टाइम लगता है, मैं मानती हूँ अप एंड डाउन्स आते हैं और वो इतना ज़्यादा ट्रिकी टाइम होता है कि आप ना कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप ना सबसे ना डिस्कस नहीं कर सकते, सबसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता है आजकल की लाइफ में कि आपके फ्रेंड्स लोग जो होते हैं वो भी अपने नहीं होते हैं, क्योंकि डबल फेस पीपल बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में और आपको एनालाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो क्योंकि ना सब लोग बहुत अच्छा बन के दिखाते हैं, लेकिन जो रियलिस्टिक जो चीज़ होती है ना, वो आपको कुछ टाइम बाद आपको पता चलती है। तो बस यही, फ्रेंड्स आप लोगों के साथ तो कभी देते नहीं हैं, बस आपको पॉइंट आउट करते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ठीक कर रहे हो और मतलब ये चीज़ मत करो अब। लेकिन आप, ज़िंदगी आपकी है, आपको ही अकेले रहना है और आपको ही अकेले जाना है इस दुनिया से, तो जो आपकी मर्ज़ी, आप अपनी लाइफ किसी भी तरीके से जी सकते हो, किसी भी तरीके से, इन द सेंस ऑफ ये जो आपका दिल चाहे आप वो कर सकते हो, बिकॉज यू हैव अ राइट। ठीक है, तो दूसरे का ये नहीं बनता है कि आपको वो एडवाइस दे, आपको ये बोले कि आप ये मत करो, वो मत करो। लाइफ इज़ योर्स एंड सक्सेस इज़ योर्स, प्लान्स इज़ योर्स, ही डू इट वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी डू इट, बस इन अ यू नो इन अ गुड मैनर, नॉट इन अ बैड मैनर। तो आप वही सब करो, अच्छे से करो और जो आपका दिल चाहता है, जिस तरीके से आपको सक्सेस करने का दिल चाहता है, कोई भी आपको लाइन जो आपको अच्छी लगती है और जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वही फॉलो अप करो और उस पर मेहनत करते चले जाओ। लाइफ में मेहनत करते चले जाओगे ना, फिर आपको मंजिल तक ना कोई नहीं रोक सकता, जैसे कि मैंने आपको बोला है। और आप जो है ना उस पर फॉलो अप करते चले जाओ, मेहनत करते चले जाओ। आप अगर आप हल्के 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 मेहनत करते चले जाओगे ना, तो लाइफ में ना आप ग्रो करोगे, इंशाल्लाह ज़रूर करोगे, क्योंकि मेहनत ना एक दिन रंग लाती है और वो रंग जब लाती है ना, तो सबके जो जेलेसी जो पीपल होते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड, सबके मुँह ना इतने से निकल जाती एकदम। गाइज मैंने बातिंग कर ली थी, बातिंग करने के बाद फिर टाइम हो गया था खाने का, तो फिर मैंने खाना खाया, बस यही मेरा खाना था। और उसके बाद फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली गई थी, अब हम वहाँ पर मिलते हैं। ये गाइज जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर इतने सारे कैमराज लगे हुए हैं, सिर्फ सिक्योरिटी, और ऐसी ही सिक्योरिटी होनी चाहिए घर में, कोई आपको कोई बिजनेस हो। सो गाइज मैं यहाँ पर फिर ट्यूशन पढ़ा रही थी। She is my student and she is also कैसे पढ़ाती हूँ मैं आफिया? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगता है मम्मी? आप जो पढ़ाती हैं वो अभी समझ में आ जाता है माइंड में। अच्छा, और एंड आप पूरे 5 ईयर्स से पढ़ा रही हैं? हाँ, जब ये बहुत ज़्यादा छोटी थी आफिया, तब से मैं इसको टीचअप कर रही हूँ गाइस। एंड मतलब एक अजीब ही एक्सपीरियंस होता है जब एक बच्चे, जब छोटे से बच्चे को पढ़ाते हो। और माशाल्लाह कौन सी क्लास में आप, ये बताओ? सेकंड सी। अभी सेकंड सी में। एंड यू? 6B1। सो तुमको कैसी लगती हूँ मैं? बहुत अच्छी। क्या अच्छा लगता है? आप जो पढ़ाती हो समझ आ जाता है। क्या समझ में आता है? शी इज शाय। समझ आ जाता है सब कुछ, हर क्लास के, मतलब हर सब्जेक्ट आ जाता है। ओके,
सो गाइज अब हम हुई शादी में, अब हम लोग जा रहे हैं। मैं ट्यूशन पढ़ा के आ गई थी, मैं रेडी होने के मैं वो ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। जो लड़की का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मोमेंट होता है वो निकले जा रहा था, रुखसती हो रही थी। सीरियसली आई फील सो इमोशनल एट दैट टाइम। अल्लाह पाक जितने भी गर्ल्स हैं, अल्लाह पाक जिसकी भी शादी होती है, आई होप सो सारे लोग खुश रहे। इट्स टू मच इमोशनल मोमेंट टू ऑल, आई होप सब खुश रहे। ओह माय गॉड, जो टफेस्ट मोमेंट आ गया था, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं उस टाइम पे। मैं देख रही थी, आई फील सो इमोशनल। आई विश कि हमेशा खुश रहे। रात के 12:30 हो रहे हैं, अब हम घर पर जा रहे हैं। सब शादी ओवर हो चुकी है, बहुत थक चुकी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बहुत देख रहे लग रहा है। शादी एंजॉय करके एक नंबर, वेरी नाइस। कैसा लगा? मस्त लगा ना, मजा आया। हमारे दोस्तों को दिखाया, हमारे दोस्तों को बोले तो एक नंबर मजा आया। लाइक करें, बोले तो एक नंबर बनते की पब्लिक, मजा आया। हमारे दोस्तों लोग आ जाए, क्या नाम करे, उसका नाम भूल गया। सो गाइज, शादी बहुत ज़्यादा अच्छी रही। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, प्यार बांटिएगा, खुश रहिएगा। और मतलब ज़िंदगी जो होती है वो कुछ ही टाइम के लिए होती है, और उसमें आप अपने अच्छे से अपनी ज़िंदगी पे स्पेंड करिए और खुश रहिए। क्योंकि यार
जो मैम। सो गाइज अब बाय, टेक केयर, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुश रहिएगा और ठीक है, बाय।